अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। अक्सर एक कॉल आता है कि रेसिडेंस के लिए तो वीडियोस बनता है, ये पहला वीडियो है जो मैं शॉप के लिए बनाना चाह रहा हूँ। शॉप जो है वो नियर अबाउट 1.5 करोड़ से 1 करोड़ के बीच में आती है, बट मेरे पास ये ऑलमोस्ट 33 लाख से स्टार्ट हो, सिर्फ 33 लाख रुपए में शॉप मिलेगा, वो भी सहूलत के साथ, 5 लाख डाउन पेमेंट, 25,000 महीना ईएमआई, वो भी बिल्डर लोन या बैंक लोन भी अवेलेबल है, लेकिन बिल्डर की तरफ से नो इंटरेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। ये लोकेशन जो है नियर मुमरा पुलिस स्टेशन है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, जिसमें 400 टू 500 यूनिट्स आने वाले हैं। इसके सामने से मेन रोड जाने वाला है 9 मीटर का। शॉप्स की हाइट 16 टू 18 फुट है, उसके अंदर भी मेज़नाइन स्लैब बिल्डर की तरफ से दिया गया है, और इसके अंदर कॉम्बो ऑफर भी अवेलेबल है। कॉम्बो ऑफर जानने के लिए, ज्यादा जानकारी जानने के लिए इस नंबर पे कॉल करें, कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र भाट के गाड़ी पर हल्ला बोल दिया गया है। जितेंद्र भाट मुंबई से ठाणे की तरफ आ रहे थे, तभी जितेंद्र भाट की गाड़ी पर स्वराज संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, जिससे गाड़ी की कांच भी टूट गई है। आपको बता दें कि कल भी विधायक जितेंद्र भाट के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, और आज जिस तरह से जितेंद्र भाट की गाड़ी पर हमला हुआ, उसके बाद फिर जितेंद्र भाट के घर की सुरक्षा में पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया है। ये तस्वीरें हैं जब जितेंद्र भाट ठाणे की तरफ आ रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। जितेंद्र भाट ने विशालगढ़ हिंसा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए थे और छत्रपति संभाजी राजे की आलोचना की थी। तभी से जितेंद्र भाट पर माफ़ी मांगने को कहा जा रहा है, और स्वराज संस्था से जुड़े हुए लोगों ने जितेंद्र भाट की गाड़ी पर आज हमला कर दिया है। हालांकि जितेंद्र भाट अब जो है ठाणे स्थित अपने घर पर पहुंच गए हैं। लगता है